मेरा बॉल एम्बेडेड है। रूल कहता है कि एम्बेड बॉल की दो सिचुएशनों में बल्कि तीन सिचुएशनों में रिलीफ नहीं मिलेगी। नंबर वन, बंकर के अंदर अगर बॉल एम्बेडेड है तो उसकी रिलीफ नहीं मिलेगी, फ्री रिलीफ नहीं मिलेगी। नंबर टू, अगर बॉल एम्बेडेड है जर्नल एरिया में कहीं पे भी कोर्स पे, लेकिन वहाँ पे सैंड बिछाई हुई है तो उसकी भी, चूँकि सैंड के अंदर बॉल एम्बेडेड है, उसकी फ्री रिलीफ नहीं मिलेगी। तीसरी सूरत में कि बॉल एम्बेडेड है लेकिन मेरे पास स्विंग अवेलेबल नहीं है, बॉल दरख्त के पीछे एम्बेडेड है, लिहाजा मेरी डिमांड फॉर फ्री रिलीफ इज़ अनरीजनेबल बिकॉज मुझे स्ट्रोक अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए एम्बेडेड बॉल की फ्री रिलीफ नहीं मिलेगी। बॉल इस वक्त मेरा बंकर में नहीं है, बॉल मेरा लिप ऑफ द बंकर विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बंकर, वो बंकर का हिस्सा नहीं है, घास में है और एम्बेडेड है, लेकिन इसकी भी रिलीफ ऐसी सिचुएशन में फ्री रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि एम्बेडेड बॉल की रिलीफ लेते वक्त रूल कहता है कि नंबर वन, रेफरेंस पॉइंट जो है वो बिल्कुल बॉल के पीछे है और वो उसी इलाके में होना चाहिए, वो तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं रिलीफ लेता हूँ तो मेरा रिलीफ बंकर में आता है, राइट लेफ्ट, चूँकि रिलीफ एरिया सेम एरिया में नहीं है, यानी बॉल तो एम्बेडेड है जर्नल एरिया में, यानी लिप ऑफ द बंकर, वो बंकर का हिस्सा नहीं है, लेक और घास के अंदर है, और रिलीफ एरिया मेरा बंकर बनेगा, ऐसी सूरत में इस बॉल की फ्री रिलीफ नहीं मिलेगी। आपको ये बॉल बदकिस्मती है ऐसे प्लेयर की, उसको इसको या ऐसे ही खेलना पड़ेगा जैसे पड़ा हुआ है, या वो इसको अनप्लेएबल डिक्लेयर करके और बैक इन लाइन वो रिलीफ ले सकता है।